बहस छेड़कर युवाओं की बात करेंगे। नावेद शिकोजी, नावेद जी, मंशा क्या है मुख्यमंत्री को मंच से इस तरह की राजनीति करने की जरूरत क्यों पड़ी? जिन्ना को याद दिलाने से हासिल क्या होगा? मीना जी, मुख्यमंत्री जी का जो ये वक्तव्य आया है जिसमें जिन्ना है और बंटवारा है, उसका आशय शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं समझ पाए हैं। मैंने रोहित जी को सुना, लग रहा है रोहित जी इस बात को किसी हद तक समझे हैं। मुख्यमंत्री जी की मंशा क्या है और उनके वक्तव्य के पीछे क्या संदेश है उसके पीछे? दरअसल इस समय जाति की राजनीति बहुत शबाब पे है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, विपक्ष इसको आगे बढ़ा रहा है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश जहां जाति की राजनीति का एक गढ़ होता है, अगर यहाँ इस तरह की राजनीति आगे बढ़ती है तो पूरे देश में अन्य राज्यों में भी बढ़ती जाती है। और पिछला लोकसभा चुनाव जो है उससे ये संकेत भी मिले हैं कि जाति की राजनीति किसी हद तक कामयाब भी हुई। मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, कोई फिल्म फिल्म से जोड़ता हूँ इस मामले को, शायद समझ में आ जाए बात। कोई फिल्म स्टार होता है, वो किसी फिल्म में चल जाता है तो उसको दोबारा लिया जाता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसको फिर से लेते हैं कि भाई ये चल रहा है। इसी तरह पॉलिटिकल मुद्दा भी होता है, जब वो चल चल जाता है तो उसको दोबारा लिया जाता है। मेरे एक बात नहीं समझ में आ रही है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का मुद्दा कैसे ले सकती है जब अभी कुछ महीने पहले हिंदुत्व का मुद्दा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जमीन पर लड़खड़ा गया। हिंदुत्व का मुद्दा जो पैदा हुआ था किसी जमाने में उत्तर प्रदेश में और लगातार सफल भी होता रहा, भाजपा को विजय भी दिलाता रहा, पूरे देश में भाजपा का परचम भी हिंदुत्व के मुद्दे पर उठा। लेकिन ये वो समय है जब हिंदुत्व की पिक्चर उतर चुकी है और जाति की राजनीति कहीं ना कहीं, हालांकि दोनों चीजें ठीक नहीं है समाज के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, क्योंकि हमें अच्छा लगता है जब विकास की बात होती है, हमें अच्छा लगता है जब हम बात करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का एक मॉडल दिया और वो नजर भी आता है, वो बात हो, हम उसका स्वागत करेंगे, हम मतलब उत्तर प्रदेश की जनता। लेकिन ये धर्म और जाति की राजनीति जब सिर्फ चढ़ के बोलने लगती है तो ये उत्तर प्रदेश का और पूरे देश का नुकसान होता है। यहां पर मुख्यमंत्री जी का आशय शायद हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाना नहीं था, उनका कहने का आशय ये था कि जो जाति की राजनीति है, जो अलग अलग जातियों में बांटने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, वो सेम जिन्ना की उस नीति की तरह है जिस तरह जिन्ना ने इस देश के दो टुकड़े करने में अपनी भूमिका निभाई थी, पाकिस्तान पैदा हुआ था। ये विभाजन जो है, जाति की राजनीति भी इसी विभाजन की तरह है कि हिंदुत्व का गुलदस्ता जो योगी आदित्यनाथ ने तैयार किया था जिसमें सारी जातियां एक थी, जाति का सिलसिला जातिवाद का 10 साल तक थम गया था, वो फिर से बिखर रहा है, वो टूट रहा है। ब्राह्मण कह रहा है मैं अलग हूँ, क्षत्रिय कह रहा है मैं अलग हूँ, पिछड़ा कह रहा है मैं अलग हूँ, कायस्थ कह रहा है मैं अलग हूँ, दलित कह रहा है मैं अलग हूँ। इस तरह की राजनीति अगर होगी तो उनके कहने, भले ही उनकी मंशा हो कि हमारी पार्टी कमजोर होगी, हमारी राजनीति कमजोर होगी, लेकिन यहाँ पर आदित्यनाथ की मंशा यह है कि हिंदुत्व कमजोर होगा, हिंदुत्व बिखरे हिंदू टूटेगा। इस बात को वो आगे बढ़ा के अपने हिंदू समाज में ये संदेश देना चाहती हैं कि तुम जिन्ना विपक्ष जो है वो अगर जाति कर रहा है तो जाति की राजनीति का मतलब सामाजिक न्याय नहीं है, सबको न्याय देने की बात नहीं है, ऊंच नीच को खत्म करना नहीं है, बराबर में सबकी हिस्सेदारी देना नहीं है, यहाँ पर हिंदुत्व को कमजोर करना है। ये आशय है, ये मंशा है योगी आदित्यनाथ की और वो इस बात को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन ये बात भी समझना होगा कि हिंदुत्व की राजनीति फिलहाल, पिछले लोकसभा चुनाव से ये पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश में अब हिंदुत्व का फिलहाल मुद्दा नहीं चलेगा। मुझे लगता है आदित्यनाथ ने बहुत अच्छे काम किए, नरेंद्र मोदी सरकार ने भी कुछ अच्छे काम किए, उसको दोहराइए। आप बताइए कि आपने सुरक्षा दी, आप बताइए कि आपने रोजगार दिए, जिन्ना आ गए 70 साल पुराना एक आप जिन्ना जिन लेके आ रहे हो, कौन मानता है जिन्ना को? आप बताइए, विपक्ष कोई नेता कहता है जिन्ना अच्छा? मैं कहता हूं जिन्ना मुर्दाबाद, पूरा देश कहता है जिन्ना को खलनायक माना जाता है, ना विपक्ष कहता है, ना हिंदू कहता है, ना मुसलमान कहता है, इस देश का एक भी व्यक्ति जिन्ना को सकारात्मक दृष्टि से नहीं देखता है। ये झूठ है, ये गंदी राजनीति है, जो कहा जाता है कि जिन्ना के कुछ मानने वाले हैं। मुझे लगता है इससे गंदी राजनीति कोई नहीं हो सकती।